ऑफलाइन वीडियो एडिटिंग में इंस्टेंट ऑडियो डबिंग कैसे करें। ऑडियो डबिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ऑडियो को ऑडियो लाइब्रेरी में ऐड करना होगा। ऑडियो ऐड करने के लिए हमें ऑडियो लाइब्रेरी में मास्टर और सब फोल्डर बनाना होगा। मास्टर फोल्डर बनाने के लिए हमको इस ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू फोल्डर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप जो लैंग्वेज का ऑडियो ऐड करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज का ऑडियो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदी लिख देता हूँ, और हिंदी लिखने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे मास्टर कैटेगरी बन गया है। अब इस मास्टर कैटेगरी के अंदर आपको आपका सब कैटेगरी बनाना है, जिसके अंदर आप अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग आपका गाना ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला मेरा सब कैटेगरी बनाता हूँ बारात निकासी का। अब यहाँ पे मैं नेम टाइप कर देता हूँ बारात निकासी, और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका सब कैटेगरी बन गया है। अब इसके अंदर आपको आपका ऑडियो ऐड करना है। तो ऑडियो ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस ब्लैंक एरिया पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू ऑडियो लाइब्रेरी, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपने आपका ऑडियो रखा हुआ, जिस ड्राइव के अंदर आपका ऑडियो रखा हुआ, वहाँ से आपको आपका ऑडियो ओपन करना है। मैं यहाँ पे कुछ मेरा ऑडियो रखा हूँ, जैसे मेरा बारात निकासी का ऑडियो है, तो मैं यहाँ पे मेरा बारात निकासी का ऑडियो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सेम इसके बाद वापस मेरे को दूसरा सेरेमनी बनाना है, तो मैं दूसरा सेरेमनी का यहाँ पे सब फोल्डर बनाता हूँ। एग्जांपल मेरे को यहाँ पे दूसरा गाना लेना है बारात वेलकम का, तो मैं यहाँ पे बारात वेलकम का एक फोल्डर बना देता हूँ, और इसके अंदर भी मैं मेरा गाना ऐड कर लेता हूँ बारात वेलकम का। ये मैंने मेरे हार्ड ड्राइव के अंदर ये सारे गाने रखे हुए, जिसको मैं मेरे लाइब्रेरी में ऐड कर रहा हूँ। वापस मैं एक दूसरा फोल्डर बना लेता हूँ द्वार पूजा का, द्वार पूजा, और इसके अंदर मैं वापस मेरा द्वार पूजा का गाना जो मैंने हार्ड ड्राइव में रखा है इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आपको आपका जितना भी ऑडियो है सबको ऑडियो लाइब्रेरी में ऐड कर लेना है। मैं कुछ और भी ऑडियो है, मैं सब वन बाय वन सबको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं सारा ऑडियो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ऑडियो लाइब्रेरी का फ़ायदा क्या है, ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर आपने आपके हार्ड ड्राइव के अंदर जहाँ पे भी आपका सॉन्ग रखा हुआ है, जो भी गाने रखे हुए हैं, वो सारा का सारा गाना आप ऑडियो लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको बार बार आपके हार्ड ड्राइव में जाके आपका ऑडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। सारा का सारा ऑडियो जितने भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे ऐड करेंगे, सभी लैंग्वेज के ऑडियो आपको हमेशा यहाँ पे दिखता रहेगा। और अगर किसी ऑडियो का हमें रेफरेंस देखना है तो उसके लिए आप किसी भी ऑडियो के ऊपर डबल क्लिक करके उसका रेफरेंस ऑडियो सुन सकते हैं। उसके बाद आप ऑडियो का यहाँ पे स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि ऑडियो का ड्यूरेशन कितना है। उसके बाद अगर आप ऑडियो टाइमलाइन के ऊपर यूज करते हैं, यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो आपने ऑडियो यूज किया टाइमलाइन पे, यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडिकेटर आ जाता है कि ये ऑडियो आपका टाइमलाइन के ऊपर ऐड हो चुका है। इसी तरीके से अगर सपोज मान लीजिए कि इसमें से कुछ गाना मेरा फेवरेट गाना है जो मैं बार बार कंटिन्यू यूज करता हूँ, तो उस गाने को आप फेवरेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके और यहाँ पे ऐड टू फेवरेट कर दूंगा, जिसका शॉर्टकट की है नम का 0 बटन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक हार्ट शेप बन गया है, यानी ये गाना आपका फेवरेट हो गया है। नेक्स्ट टाइम आपको ये गाना यूज करना है तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा, जस्ट इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब ऑडियो डबिंग कैसे करेंगे। अब ऑडियो डबिंग करने के लिए सबसे पहले मैं मेरा टाइमलाइन के ऊपर मेरा वीडियो देख लेता हूँ कि मेरा फर्स्ट वीडियो का क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोग्राम है बारात निकासी का,
तो मुझे एक बारात निकासी का गाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बारात निकासी के फोल्डर के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे हमने हमारे गाने को ऐड किया हुआ, इसमें से जो भी गाना मेरे को चाहिए उसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और ऑडियो लेयर के ऊपर लाके छोड़ देता हूँ। अब गाना ऐड होने के बाद मुझे ये गाना कहाँ तक रखना है, सो मैं पहला देख लेता हूँ कि मेरा गाना मेरे को कहाँ तक रखना है। सो एग्ज़ाम्पल यहाँ तक मेरा डांस आ रहा है, मुझे यहाँ तक ये गाना रखना है डांस तक। तो मैं डांस के पोजीशन कर्सर पोजीशन पे प्लेहेड को लाके इसको कट कर देता हूँ। ऑडियो को मैंने कट कर दिया। अब यहाँ से मुझे ओरिजिनल ऑडियो देना है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइमलाइन जूम कर लेता हूँ। मुझे जितने भी क्लिप का ओरिजिनल ऑडियो देना है मैं उसको सबसे पहला क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड पे ऑल्ट ए प्रेस करना है। जैसे ही कीबोर्ड पे आप ऑल्ट ए प्रेस करते हैं तो आपने यहाँ पे जितने भी वीडियो क्लिप सिलेक्शन किया है उस क्लिप का ओरिजिनल ऑडियो आपको यहाँ नीचे के लेयर पे आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ओरिजिनल ऑडियो आ चुका है। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे मेरा डांस चल रहा है तो मुझे एक यहाँ पे म्यूजिक भी बैकग्राउंड में प्ले करना है और यहाँ पे ओरिजिनल ऑडियो भी मुझे देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बारात वेलकम का गाना ले लेता हूँ। ये बारात आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक गाना ऐड कर लेता हूँ ऊपर वाले लेयर में, और अभी मैं प्ले करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे गाने का भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, मेरे क्लिप का भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे गाने का वॉल्यूम अगर कम करना है तो मुझे इस रबर बैंड के माध्यम से मेरे वॉल्यूम को कंट्रोल करना है। मुझे मेरी नीड के हिसाब से मुझे जितना ऑडियो चाहिए उतना इसको सेट कर देना है, जितने लेवल पे आपको ऑडियो चाहिए। और उसके बाद जब आप प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ऑडियो और साथ साथ आपका सॉन्ग दोनों एक साथ में साइमल्टेनियसली प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में ओरिजिनल ऑडियो भी यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा टाइमलाइन को जूम इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका वीडियो यहाँ पे पूरा प्रॉपर दिखने लगा। अब ये जो ऑडियो है मुझे कहाँ तक रखना है, तो मैं अगर यहाँ पे क्लिप को प्ले करके देखता हूँ, यहाँ से मेरा दूसरा प्रोग्राम रेडी हो रहा है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मुझे यहाँ पे दूसरा गाना देना है, तो मैं इस ऑडियो को यहाँ पे कट कर देता हूँ। और इसी के साथ अब मुझे यहाँ पे एक दूसरा ऑडियो लगेगा, तो मैं कोई दूसरा ऑडियो यूज करने के लिए सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, मेरे प्रोग्राम को थोड़ा सा प्ले करके देख लेता हूँ कि आगे का मेरा क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है वो वॉय एंट्री का है। अब यहाँ पे वॉय एंट्री का मुझे ऑडियो यूज करने से पहला एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए कि मेरा ये ऑडियो है और मैं इसके बाद मैं द्वार पूजा का यहाँ पे ऑडियो लाना चाहता हूँ, लेकिन ये दोनों ऑडियो आने के बाद आपस में क्रॉस फेड हो जाए ऑटोमेटिक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस फेड का बटन दिया हुआ, इस क्रॉस फेड के बटन को आपको इनेबल करना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करके और आपका दूसरा ऑडियो जब आप इसके नीचे वाले ट्रैक के ऊपर ला के रखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ऑडियो ऑटोमेटिक क्रॉस फेड हो गया। सो इस तरीके से आप ऑडियो को क्रॉस फेड कर सकते हैं ऑटोमेटिक। अब इसके बाद मैं आपको सारे ऑडियो वन बाय वन अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा आप यहाँ पे आपका ऑडियो डबिंग कर सकते हैं। अब ये मेरा एंड ऑडियो है तो मैं इसको यहाँ से कट करके और ऑडियो को फेड आउट दे देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप बहुत ही कम टाइम के अंदर आपका ऑडियो डबिंग करके और आप आपके क्लाइंट को मिनटों में दे सकते हैं।